अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास मैट्रिक्स सिंडी का क्या बताऊंगा, टारगेट पेपर बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स के आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दिए, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। देखिए, ये तमाम सवाल वो सवाल होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स बस स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप यह करना है, अपने बोर्ड की तैयारी करने के लिए इन तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। तो बस ये कहूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो, ताकि आपको तमाम चीजें फौरन से और वक्त पर मिल सके। तो चले आज हैं सिंधी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज की वीडियो में देखेंगे, और देखेंगे कौन कौन से सवाल आपके इस साल बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चले आए स्क्रीन में देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा सिंधी क्लास मैट्रिक के जो टारगेट पेपर है। मैं नहीं सुसैन के आपको टारगेट पेपर्स बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो मैं अपने पास बताता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हीं का ही आपको बता दूँ, ठीक है। तो सिंधी का जो आपके पास है, सबसे पहले आपके पास वो आते हैं MCQs आते हैं, जो कि आपके किताब जी सबक इसबाक जो मुतालो करी हो, मतलब कि आपके जो सबक में से जो होंगे ना उसमें से ही आएंगे, ठीक है, तो उसको देख लेना। उसके बाद लिखा है मुख्तसर सवाल या जवाब, ठीक है, मुख्तसर सवाल व जवाब कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं वो मेंशन है इसके अंदर। केंजर डीन, सिंधी अदब या मुख्तसर तारीख, बाटा बारहन, झरो अंश थरो भाग, अजरक खत, हजरत सलमान फारसी, हारी, हजरतुल वदा वारो खुतबो, कायदे आजम या इरशाद। उसके बाद हमारे पास है मौलाना दीन मोहम्मद वफाई, इत्तेहाद तंजीम यकीन मुकर्रम, ठीक है। तो ये जो आपके पास चैप्टर्स हैं इससे आपके सवालात बन कर आएंगे। लास्ट में मैं आपको काफ़ी सारे सवालात भी बता दूंगा कि आपने किससे तैयारी करना है। ज़्यादा तो आसान तरीका होता है कि आप कहाँ से तैयारी कर लो, 5 ईयर से कर लो। लफ्जन जो जुमला आपके पास, पारसा, हेक, तकरार, नेक नामी, बहबूद, मुस्तहक, बचारी, इल्म पहम, तो आई थिंक सो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन के थ्रू इसी वो काफ़ी टाइम हो चुका है सिंधी पढ़े हुए, ठीक है। ऊंच, गंज, इकाइन, नूरी, परदनी, ठीक है, इन तमाम का क्या करना होगा, आपने लाइका लफ्जन जो जुमला देखना होगा, ठीक है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लफ्जन जेट है, मतलब अपोजिट लिखना है आपने, उसमें क्या हराम, रहबर, खादिम, सखी, फिर उसके बाद क्या लिखा होगा, ख़राब, शहर, अवाम, जुनहन, मेहमान, घर, वलादत, अजमी, अब, करम, कोसो, पचारी, पक्यून, मरण, खलाफ, अदारी, वलादत, भली, नुकसान, घोर, पेरांडी और अग्यून, अग्यून, ठीक है, इसका आपने क्या करना है, लफ्ज़ जेड लिखना है, ठीक है। उसके बाद वाहिद या जमा, ठीक है, दुआउन को क्या बोलते हैं, हट को क्या बोलते हैं, हाड़ी को क्या बोलते हैं, कमरा को क्या बोलते हैं, कौम, पक्को, दवा, किंजी, फैसलो, सटो, बकरियों, कट, कुर्सी, नलको, भाड़, खट, स्कूल, दरवाज़ों, ऐनक, बल्ब, वाच, ठीक है, इसके बारे में बताना है क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मुजक्कर या मोनर्स आपको लिखना है, औरत, डॉक्टर, डॉक्टर, गियून, जाची, झड़की, शहजादी, घेरो, झड़की, पोलोड़ो, शहनिन, बादशाह, मोर, वज, सोहरो, सोहरो, बट, हाई, मोर, कान, कान, मासी, मास्टर, फकीर, माँ, जगी, गेहूँ, सटी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, मुजक्कर या माउनस है, जैसे कि आप होते हैं ना सिंगुलर और प्लुरल, तो वो चीज़ है आपके पास। वसिफ लिखो, मतलब इसको बोलते क्या है ये बताना है आपने। हर्फ जर ज़र्फ़, इसमें आम, ज़मीर, फाल, हर्फ निंदा, सिर्फ, असम, इसमें ख़ास, इसे क्या कहते हैं ये आपने बताना है। असलाहन जी सिंधी आपने बताना है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, तो देख लेना, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपके पास रटपजा या फिर इत्तेहाद तंजीम यकीन या मुहर्रम से आ सकते हैं, लेकिन आप याद रखना ये तमाम चीज़ें 5 ईयर से आएगा, तो 5 ईयर की तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है। अवान्टी मजमून बताएं, मैं मजमून आपको लास्ट में बता दूंगा, अपने जो मेरे हिसाब से जो वो लगता है बेस्ट लगता है वो बता दूंगा, ठीक है। दरख्वास्त जो है आपके पास वो है पिकनिक टी वर्चन जी इजाज़त लिए, ठीक है, इजाज़त के लिए करना है। फिर हेड मास्टर या हेड मास्टरयान के चीन दिनहन जी मोकल लाए दरख्वास्त लिखना है, आपके 6 दिन की छुट्टी की आपने दरख्वास्त लिखनी है। क्या स्कूल में शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो दिनहन मनाएँ जो इजाज़त ले, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के क्या होगा, दिन को मनाने की क्या होगा, उसकी छुट्टी का आपको करना होगा। सफारी पार्क जी पिकनिक की इजाज़त लेने के लिए आपने करना है।
और बाकी तमाम चीज़ों को देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, शायरन जी समझाएं शायर जी हवाला, आपने क्या करना है शेर का शायरी का तशरी करना है, ठीक है। तो तमाम तशरीहों को आप इसमें से भी देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ फाइव ईयर से तैयारी कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसे करते जाओ, जो जो मुझे सही लग रहा है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। शायर जी ये बन की तशरी है, ठीक है, बन की तशरी देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, तमाम बन की तशरी है, आई थिंक तो फाइव ईयर के ही बन की तशरी है। सबक जो खुलासो मरकज़ी ख्याल, ये मैं आपको खुद बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। पैराग्राफ जो उर्दू तर्जुमा जो है, हजरतुल वारो खुतबो अतहा तंजीम यकीन माई खेरी कायदे आज़म जो इरशाद हज़रत सलमान फ़ारसी मौलाना दीन मोहम्मद वफाई, याद रखना इसको फाइव ईयर से करना है आपने, ठीक है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकें। तो जो सवालात मैंने कहा था ना आपको, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हैं वो ये सवालात हैं, अजरक ज किरहन चार रंग थिंदो आहन, ठीक है, माई खेरी किधन वफात कई, ठीक है, मौलाना वफाई ज किरहा आलमी यादगार मौजूद आहन, ठीक है, पाँच सुकोना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बरादरी बाबत कहरा इरशाद फरमायो, नसीरपुर जो शहर किरहा ज़िले में आहे, रिट पजा कदी पस्ती जा थायून के कहरी रीड साफ करण घर जी, ठीक है, ये घुर जी। उसके बाद तालपरन जी दौर जा कहरा मशहूर शायर थई गुजर आया, ठीक है, उसने बताना आपने कायद आज़म जी ख्याल मुजब पाकिस्तान कहरन मकसद के हासिल करण लाए कायम क्यों वियो आए, ठीक है, हज़रत इमाम जाफर सिद्दीक रज़िया तआला अन्हा कहरन उस्ताद दन रद तालीम हासिल कई, इस्लाम कबूल किरहन कान पोए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हा किरहयून खिदमतून सर अंजाम दिनून, ठीक है, जंग ए फसाद जो बायस कहरियून गालियून आए, ठीक है, यह दाना आपने कहरा मुल्क बैनुल अक्वामी अदालत कान पंजा तकरीर नबीराई सगन था, ठीक है, सरकारी मलाजमीन कई कायद आज़म कहरा हिदायत कई, सरकारी मलाजमीन के बारे में कायद आज़म ने क्या कहा था यह, ठीक है, सलीम अरशाद दरालीन जो खात्मो कई अंडो, ठीक है, यकीन महकम जा कई तो संजी आपने यह दाना है, वारी माई की कहरो शराइत बढ़ियो, ठीक है, नागन कहरी शर्ट थी क्रियाई के ख्वाबन जो ताबीर बढ़ायो, ठीक है, केंजर दीन थी अहवान अहोनालो कीन पैदा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सवालात थे, अब मैं आपको बता देता हूँ कि मरकज़ी ख्याल खुलासे कौन से इंपॉर्टेंट है। मज़मून जो है कराची जिस शहर कौमी हीरो पसंदीदा शख्सियत, ठीक है। उसके बाद दरख्वास्त जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई सकाफत मिलान फी माफ़ी, ठीक है, पिकनिक चंदो आलमी रिनहन, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ थे जो कि मैंने आपको बता दिया। मरकज़ी ख्याल जो है आपके पास दियो और बतायून सिख जो कोसो को संसार, ठीक है। तो ये है आपके पास खुलासा माई खेरी हुनर दौलत आहे अजरक बैनुल अक्वामी अदालत कायद आज़म जरशाद मैरन मेरन जी दरबार, ठीक है। तो ये तमाम जो थे क्लास मैट्रिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास खुलासा मरकज़ी ख्याल और मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा और तमाम चीज़ें जो थी मैंने बता दिया, ठीक है। तो बस ये कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इंफॉर्मेटिव लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।